हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी आपके लिए अचार गोश्त, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो हैं टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, मसाले, मुर्गी और हरी मिर्ची, नींबू। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने ऑयल डाली है 2 टेबल स्पून, उसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के जो कि 2 चम्मच हैं। इसको हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमें अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर अपने चिकन को डाल देना है। चिकन को हम अच्छे तरीके से इसके लहसुन अदरक के पेस्ट में भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे, जो हमने आपको टमाटर स्टार्ट में दिखाए थे। और ये हरी मिर्च है जिसके अंदर हमने अचार गोश्त का जो मेरे पास मसाला था हमने इसके अंदर भर दिया थोड़ा सा नमक लगाकर। और जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं पिसी हुई मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया 2 टेबल स्पून, अचार गोश्त का पैकेट 1/2 और नमक। ठीक है, इन सबको हम ये जब हमारी हो जाएगी अच्छे तरीके से वाइट हो जाएगी चिकन, तो हम ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से हमने इसको भून लेना है लहसुन अदरक में। उसके बाद हम अपने सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मसालों में भून लेंगे ताकि सारे मसाले एकजान हो जाएं। सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे 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 ताकि सारे मसाले एकजान हो जाएं। इसके अंदर अपना टमाटर प्यूरी जो हमने बनाई थी हम वो डाल देंगे ग्रेवी के लिए। और हमने ये डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अच्छे तरीके से पकाने के बाद ये कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगा। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून दही के डाल देंगे। दही के 2 टेबल स्पून डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। दही को डालने के बाद हम इतना नहीं चलाते हैं चम्मच, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि हमारा ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे। और ये हमने हरी मिर्ची रखी थी हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको फिर ढक देंगे। और ये देखें माशाल्लाह से ये है हमारा फाइनल लुक। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें।